उषा मार्टिन कभी झारखंड की शान, आज दामन पर ताक। अवैध उत्खनन मामले को मैनेज करने के लिए घूस देने में खुला कंपनी का काला चट्टा। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। आज से 22 साल पहले शिव विश्वनाथ और हर्ष सेठी ने भारत में भ्रष्टाचार की कहानियों पर क्रॉनिकल ऑफ करप्शन फाउल प्ले नामक एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार को चार तरह से परिभाषित किया है। लेकिन कभी झारखंड की शान रही उषा मार्टिन कंपनी ने राज्य के माथे पर जो कलंक का टीका लगाया है, उसकी कल्पना भी इन लेखकों ने नहीं की है। देश की प्रतिष्ठित जांच एजेंसी सीबीआई ने उषा मार्टिन प्रबंधन द्वारा बरते गए भ्रष्ट आचरणों का पता लगाते हुए इसी महीने की 2 अक्टूबर को जो प्राथमिकी दायर की है, उससे इस कंपनी के काले कारनामों की कलई खुल गई है। पहले राज्य की संपदा की लूट, फिर अफसरों के साथ मिलकर उस पर पर्देदारी का प्रयास और मामला फंस जाने पर जांच अधिकारी को रिश्वत देने के उषा मार्टिन प्रबंधन के प्रयासों ने साफ कर दिया है कि इस कंपनी की नीतियों में राज्य हित का कोई मान सम्मान नहीं है, बल्कि ये एन केन प्रकरण केवल मुनाफा कमाना जानती है। उषा मार्टिन के खिलाफ जो आरोप सीबीआई ने लगाए हैं और जिन मामलों में उसके खिलाफ जांच चल रही है, उन सभी से पता चलता है कि ये कंपनी सरकारी नियम कायदों को ठेंगे पर रखती है। इसके प्रबंधन को केवल अपने मुनाफे से मतलब है और जिस जमीन पर ये खड़ी है उसकी बदनामी इसका उद्देश्य। उषा मार्टिन के खिलाफ ताजा विवाद की पृष्ठभूमि में औद्योगिक भ्रष्टाचार की इस नई गंगोत्री पर आजाद सिपाही ब्यूरो की खास रिपोर्ट। झारखंड में टाटा समूह के बाद निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी उषा मार्टिन एक नए आरोप से घिर गई है। सीबीआई ने इसके प्रबंध निदेशक राजीव झवर, इसके अधिकृत प्रतिनिधि राजकुमार कपूर और दूसरे लोगों के खिलाफ जो प्राथमिकी दायर की है, उससे इस कंपनी में चोरी, संदिग्ध और भ्रष्ट गतिविधियों की बू आ रही है। 60 के दशक में रांची के बाहरी इलाके टाटे सिल्वे में स्थापित ये कंपनी कभी इस इलाके की शान हुआ करती थी। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया, लेकिन आज इस कंपनी के दामन पर दाग लग चुका है। इस कंपनी ने किस तरह नियम कानून को धता पता कर गलत हथकंडा के सहारे खाटकोरी माइंस को हासिल किया और फिर कैसे अवैध उत्खनन में शामिल हो गई। उषा मार्टिन और इसके प्रबंध निदेशक राजीव झवर के खिलाफ सीबीआई ने 2 अक्टूबर 2020 को जो नई प्राथमिकी दायर की है, उसमें 2016 में दायर अवैध उत्खनन के एक मामले की जांच को प्रभावित करने के लिए आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। कहा गया है कि कैसे इस मामले को प्रभावित करने के लिए घूसखोरी का सहारा लेने की कोशिश की गई। सीबीआई ने इस मामले में अपने एक पूर्व एसपी एनएमपी सिन्हा को 20 लाख रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार भी किया है। सीबीआई ने ये उजागर किया है कि उषा मार्टिन की तरफ से इस मामले को मैनेज करने के लिए 50 लाख रुपए की पेशकश की गई थी। इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए सीबीआई द्वारा 20 सितंबर 2016 को दायर मामले को समझना जरूरी है। सीबीआई के डीएसपी हिमांशु बहुगुणा के आवेदन के आधार पर दायर इस मामले में उषा मार्टिन और झारखंड सरकार के तत्कालीन खान निदेशक आईडी पासवान के खिलाफ पक्ष में सिंहभूम की घाटकुरी लौह अयस्क खदान को गलत तरीके से हासिल करने और फिर अवैध खनन करने का आरोप लगाया गया है। प्राथमिकी में उषा मार्टिन प्रबंधन और आईडी पासवान के बीच आपराधिक गठजोड़ करने और साजिश कर सरकारी राजस्व का नुकसान करने का आरोप भी लगाया गया है। दरअसल घाटकुरी खदान उषा मार्टिन को अपने संयंत्र में इस्पात उत्पादन के लिए आवंटित की गई थी। जब लीज आवंटन से संबंधित आदेश निकला तो आवंटन की इस शर्त को तत्कालीन खान निदेशक के साथ मिलकर हटा दिया गया। फिर खदान मिलने के बाद नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बड़ी मात्रा में अवैध उत्खनन कर उसे बाहर की कंपनियों को बेच दिया। इससे न केवल राज्य की संपदा की लूट हुई, बल्कि बड़े पैमाने पर सरकारी राजस्व को भी नुकसान हुआ। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद सीबीआई ने इस मामले में 2016 में उषा मार्टिन के कार्यालयों में छापेमारी की और बाद में प्रवर्तन निदेशालय ने कंपनी की 190 करोड़ की संपत्ति भी जब्त कर ली। इस मामले में सीबीआई ने उषा
मार्टिन के प्रबंध निदेशक समेत अन्य निदेशकों के खिलाफ समन जारी कर रखा है। सीबीआई का आरोप है कि 2016 में दायर इस मामले की जांच को प्रभावित करने के लिए ही उषा मार्टिन के प्रबंध निदेशक और अन्य आरोपी आपराधिक साजिश रच रहे थे। इस मामले में एक और चौंकाने वाला पक्ष सामने ये आया है कि जब सीबीआई ने अवैध उत्खनन मामले में उषा मार्टिन के प्रबंधन के खिलाफ समन जारी कर दिया, तो उसके बाद ही उषा मार्टिन के नन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ब्रज किशोर झवर ने 17 सितंबर को कंपनी बोर्ड को ये सूचित किया कि उन्होंने अपना पद छोड़ने का फैसला किया है, वे 23 सितंबर की बैठक में शामिल नहीं होंगे। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद उषा मार्टिन ने प्रदेश में अपने साम्राज्य के फैलाव के लिए जिस तरह के गलत हथकंडों को अपनाया वो अब खुलकर सामने आने लगा है। कंपनी ने गलत तथ्यों की मदद से न केवल घाटकुरी लौह अयस्क खदान का आवंटन हासिल कर लिया बल्कि खनन के लिए निर्धारित शर्तों का भी उल्लंघन किया। इसका सीधा परिणाम ये हुआ कि खनन इलाके में जनजीवन और पर्यावरण को भी भारी नुकसान हुआ और सरकारी खजाने को राजस्व भी नहीं मिला। इस दौरान कंपनी का टॉप प्रबंधन अपनी जेबें भरता रहा। हश्र ये हुआ कि कंपनी खोखली हो गई और बैंक का कर्ज गले तक पहुंच गया तो कंपनी ने अपना कारखाना ही बेच दिया। उषा मार्टिन की ये कहानी झारखंड के माथे पर एक काला धब्बा है जो कंपनी स्थापना के अगले ही साल से 50 साल तक लगातार अपने निवेशकों को लाभांश देती रही और राज्य के औद्योगिक माहौल में मिसाल कायम करती रही, उसका एक ऐसा पतन अचंभित करने वाला है। कंपनी के प्रबंधन ने सोने के अंडे देने वाली इस मुर्गी को ही मार डाला। कंपनी के आधुनिकीकरण और कर्मचारियों के हितों के विपरीत प्रबंधन में बैठे लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कंपनी का अंधाधुंध दोहन करने लगे और इस क्रम में उन्होंने नियम कायदों की घोर अनदेखी भी की। इसके कारण उषा मार्टिन नित नए विवाद में फंसती गई और प्रबंधन में हावी लोग मजे लूटते रहे। इसलिए कभी 4,500 परिवारों की रोजी रोटी चलाने वाली उषा मार्टिन आज इस कदर विवादित हो गई है कि लोग इसका नाम भी नहीं लेना चाहते हैं। झारखंड के औद्योगिक इतिहास में उषा मार्टिन का योगदान इसलिए याद रखने योग्य है कि एक तरफ इसने कुछ सुनहरे पन्ने जोड़े तो दूसरी तरफ ये धब्बा बनकर भी सामने आई। उषा मार्टिन का अंतिम हश्र चाहे कुछ भी हो, एक बात तय है कि जिस उद्योगपति ने इसे अपने खून पसीने से सींचा और पाला पोसा उसे इस तरह मिट्टी में मिलते देखना दुखद ही कहा जा सकता है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।